मैंने बहुत सारे सियासतदान देखे। पहले मैं सियासत का मतलब कुछ और समझता था। मैंने जरदारी को देखा, मैंने नवाज शरीफ को देखा, मैंने फजलुर रहमान को देखा, फिर मैंने खान साहब को देखा। मेरा सियासत पे ईमान ही उठ गया। मैंने कहा खान साहब से जाके पूछूं, खान साहब सियासत होती क्या है आखिर, सियासतदान कौन होता है। मैं खान साहब के पास गया, मैंने कहा खान साहब सियासतदान कौन होता है। कहने लगे ओ देखो बासत, सियासतदान एक फरिश्ता होता है। मैंने कहा खान साहब कौन सा। कहने लगे मौत का फरिश्ता। मैंने कहा सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा खान साहब मुझे सियासतदान के बारे में थोड़ा और बताएं, सियासतदान क्या है। कहने लगे देखो बासत, दुनिया में कितने जेंडर होते हैं। मैंने कहा तीन। कहने लगे उल्लू के पट्टे, तुझे दुनिया का कुछ पता नहीं है, दुनिया में चार जेंडर होते हैं। मैंने कहा कौन से खान साहब। एक मेल, दूसरा फीमेल और तीसरा ट्रांसजेंडर। मैंने कहा चौथा कौन सा होता है। कहने लगे सबर कर, और सबर कर और उल्लू के पट्टे सबर कर, चौथा जेंडर होता है पॉलिटिशियन। खान साहब ने ये बात ठीक बताई है, क्योंकि सियासतदान मर्द या औरत नहीं हो सकते, ट्रांसजेंडर भी नहीं हो सकते, ये कोई अलग जेंडर है। फिर खान साहब ने कहा सुन बसत, सियासतदान को बीमारी होती है, जैसे इंसान को हेपेटाइटिस होता है, सियासतदान को कीड़ा पेटाइटिस बीमारी होती है। इस बीमारी में सियासतदान को कीड़ा होता है। देखो कीड़ा पेटाइटिस के भी तीन स्टेजेस होते हैं। एक कीड़ा पेटाइटिस ए, कीड़ा पेटाइटिस बी और कीड़ा पेटाइटिस सी। जैसे नवाज शरीफ को कीड़ा पेटाइटिस ए था, सरदारी को कीड़ा पेटाइटिस बी था। मैंने कहा खान साहब जैसे आपको कीड़ा पेटाइटिस सी है। कहने लगे ओए ओए, तेरी शक्ल ऐसी है कि मैं इसमें सिर्फ ये कह सकता हूं जैसे बांदरी को यरकान हुआ होता है। खान साहब मैंने क्या कर दिया। कहते हैं ओए, मैंने तीसरा कीड़ा पेटाइटिस सी फजल रहमान को है। मैंने कहा ठीक है खान साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं आपके पास जो आया हूं इसलिए आया हूं कि मेरी नौकरी चली गई है। मतलब आपने तो नए पाकिस्तान में कहा था ये होगा वो होगा, मेरी नौकरी चली गई है तो मैं क्या करूं। अब खान साहब बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सिर्फ करते कुछ नहीं। अब मुझे क्या कह रहे, बस नौकरी पे मत रहो, एक वक्त आएगा जब तुम खलाई मखलूक बन जाओगे, वो वाली नहीं है दूसरी, खलाबास बन जाओगे, तुम चांद पे चले जाओगे, सिर्फ मेहनत करो। मैंने कहा खान साहब मेहनत करूं लेकिन इस टाइम खाऊं क्या। कहने लगा पत्थर खा। खान साहब मतलब कुछ तो हो जो मैं खाऊं, मेरे घर फैमिली है, मैं अभी कुछ अपना कमा नहीं रहा। कहने लगे कोई बात नहीं, मेहनत करना सीखो, एक वक्त आएगा जब तुम इस मुकाम पे पहुंचोगे, अभी तुम्हारे पास एक हल है, पत्थर लो पेट पे बांध लो, ये बहुत अच्छा। देखो रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। मैंने कहा अल्लाह ने तो किया, आपने, आप सियासतदान है, आपने क्या किया है फिर। मेरा काम कोई रिस्क देना नहीं है, मेरा काम लोगों में शऊर पैदा करना है। मैंने कहा ये तो कासम अली शाह अच्छा कर रहे थे। बेटा मैंने इधर उतारनी है चप्पल और तेरे तुरने पे ऐसे लगानी है कि तू ये बकवास करना भूल जाएगा। मैंने कहा खान साहब चलो मेरी खैर है, मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं इधर से कमा लेता हूँ उधर से। लेकिन खान साहब कोई गरीब आदमी, कहते देखो गरीब आदमी जब भूखा सोता है तो उसे पता होता है कि एक वक्त आएगा वो मेहनत करेगा बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा, तो जब उसको वो वक्त याद आएगा जब वो गरीब था तो वो अपने से छोटों के साथ अच्छा सलूक करेगा। मैंने कहा खान साहब आप ऐसा नहीं कर रहे, आप अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो आगे से कहने लगे बेटा मेरे कभी गरीब था ही नहीं, मैं हमेशा अमीर था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, क्रिकेटर था, इसलिए मुझे ये बात, मैं तुम लोगों में शऊर पैदा कर रहा हूं कि शर्म करो तुम लोग, कुछ करके दिखाओ खुद, हर बंदा अपना खुद जिम्मेदार है और रिस्क अल्लाह देता है, हुक्मरान नहीं देता।